नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी फ्रॉम होम में मैं इंदु कौशल आप सबका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब, ज़रूर बताइएगा। तो आज आप सबके लिए एक मैं चित्रकथा लेके आई हूँ। ये कहानी ही है लेकिन ये चित्रकथा है, इसमें पिक्चर देख के ही हमको कहानी बतानी है। और इसका जो शीर्षक है वो है आम की कहानी। तो देखिए, एक दिख रहा है ना आपको, क्रो है और आम है और एक लड़की है, ठीक है। और दूसरी पिक्चर में उस लड़की को जो आम है उसको देख के वो ललचा गई है। और नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, वो लड़की अपने ब्रदर से कहती है कि उसको वो आम चाहिए। और जो उसका भाई है वो अपनी गुलेल से उस आम को निशाना लगाता है और निशाना लगते ही वो आम अपनी टहनी से टूट जाता है। लेकिन देखिए, क्रो वहाँ पर, कौवा वहीं पर खड़ा है और वो मुँह खोल कर आता है और उस आम को पकड़ लेता है और वहाँ से भाग जाता है। बेचारी लड़की उदास और लड़का भी उदास देखते रह जाते हैं। जैसे ही क्रो वहाँ से जाता है, आगे मधुमक्खी का छाता है, उस छत्ते से वो टकरा जाता है और वो सारी मधुमक्खियाँ उसके पीछे पड़ जाती हैं और उसका जो आम है वो नेस्ट के ऊपर जा गिरता है जहाँ पर कुछ अंडे हैं और वहाँ पर कुछ गिलहरियाँ भी हैं। तो उन्होंने भी वो आम देख लिया है। और तब क्या होता है कि लहरी चुपके से जाती है और उस नेस्ट से उस मैंगो को उठा लेती हैं। लेकिन जैसे ही वो मैंगो उठाती हैं तो उसमें से जो अंडे थे उनमें से चूजे बाहर आ जाते हैं। आज चिड़िया के बच्चे हैं वो जोर जोर से आवाज़ करते हैं। उस आवाज़ को सुन के गिलहरी के मुँह से जो आम है वो गिर जाता है। और देखिए, एक किसी चीज़ के ऊपर वो जा रहा है और उसके ऊपर तड़ाम से जो आम है वो उसके ऊपर गिर जाता है। तो वो चीज़ क्या है ये देखिए, वहाँ पर एक महाशय जी बैठे हैं, एक अंकल जी हैं जो सोए हुए हैं, उनके सर की टोपरी के ऊपर वो गिर जाता है आम। और वो लड़की और लड़का वहीं पास में ही हैं। तो फिर क्या होता है, जो क्रो है खरगोश भी है वो भी देखो देख रहे हैं उनको कि ये सोया हुआ है, क्योंकि ये इंसान है तो पक्षी थोड़ा उसके पास जाने से डरते हैं। तो वहाँ पर कौन गया, तो लड़की है वो जो आम है वो ले लेती है और उसको आम को देख के खुश हो जाती है क्योंकि उसको ही चाहिए था ना वो पहले। तो देखा आपने, लड़का खुश हो जाता है कि उसकी गुलेल ने काम किया। और इस स्टोरी से देखिए, करो देखता ही रह गया, इस स्टोरी से हमको क्या सीख मिलती है। देखिए, एक चित्रकथा थी लेकिन सीख तब भी मिलती है कि जिसके भाग्य में जो चीज़ है उसको वो ज़रूर मिलती है। किसी के भाग्य का जो भी है वो कोई दूसरा उसको छीन नहीं सकता है। बस मेहनत करते रहिए, फल ज़रूर मिलता है। तो लड़के ने मेहनत की थी क्योंकि उसने ही गुलेल चलाई थी, उसकी वजह से ही वो आम नीचे आया था, तो उन्हीं के ही हक का था और उनको वो ज़रूर मिला। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी स्टोरी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।